तो अभी ऑलमोस्ट एडिट मेरा ख़त्म हो चुका है, पर जो लास्ट का पार्ट है वो एडिट करते करते मेरे को बार बार झपकी आ रही है, बार बार झपकी आ रही है। तो अभी मैं 20 मिनट बाद का अलार्म लगा के एक पावर नैप लेने की वापस कोशिश करूँगा। जो अभी तक हर कोशिश मेरी नाकाम हुई है वो कोशिश मैं वापस करूँगा। और सनी यहीं पे गेम खेल रहा है तो फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि जब भी अलार्म बजे तो मेरे को उठाना है तूने। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि कल वाले व्लॉग में मैंने बोल दिया था कि कल मैं रात से पहले ही पहले एडिट कर लूंगा, तो उसी के लिए मैं पहले एडिट खत्म कर रहा था, व्लॉग उसके बाद अच्छे से करूंगा ये सोचा था। पर अभी मेरे को बार बार झपकी आ रही है और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इन 20 मिनट में मेरे को अपना पावर नैप खत्म करना है और मेरे को उठना ही है 20 मिनट बाद। सनी सुन रहा है ना तू? सुन रहा है ना? बस 20 मिनट बाद मिलते हैं। उठ गया हूँ मैं। आखिरी 5 और मिनट, 5 और मिनट। हाँ तो पंखा चालू कर जल्दी सु, एक एक सेकंड कीमती जो हो। बाल बहुत बड़े हो गए, आज नहीं सोने देंगे। उठ जा, चाय भी बन गई है, उठ जा, अब सोने का फायदा नहीं है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। So hello to the people watching us. उठा दिया। No. विश्वासघात, सनी के साथ विश्वासघात करने का परिणाम जरूर मिलेगा। एक मिनट रुक जाओ। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। बे यार बाबू, उठ जा रे। बे यार, मार पड़े तो पड़े पर नींद तो जाग के ही रहेगी आज। तो आपको ये जगाने का तरीका कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट करके, या अगर कमेंट करके नहीं बताना तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये तरीका पसंद आया। चलो अब तो पूरी तरीके से लेके ही जाऊंगा, चल। वाओ, पानी ला। आज पावर नैप सक्सेसफुल हो गई है, वो भी सनी की जबरदस्ती उठाने की तरीके से। मतलब मैं 2 बार सो गया था उठ के, एक बार तो जब अलार्म बजा तब उसने उठाया, तब मैंने बोला कि 5 मिनट रुक गया, फिर वो 5 मिनट उठ के वापस उसने उठाया मेरे को, बोलता है कि चल नीचे चल हमारी चाय बन गई ऐसा करके। तो फिर मैं उठा एक सेकेंड के लिए, फिर जैसे ही वो बाहर गया मैं वापस सो गया। एडिट करते वक्त मैंने रियलाइज किया एक बात की, जो टेरेस वाली क्लिप है जो कि मैंने कल क्रिकेट खेलने के बाद शूट करी थी, उसमें काफी हवा हवा की आवाज आ रही थी। वो चीजें तो मैंने डाली उस टाइम की, पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजों में बहुत ज्यादा हवा आ रही थी तो आपको वो चीज समझ भी नहीं आती, तो मैंने वो चीज नहीं डाली है। उस टाइम मैं ये बात कर रहा था कि कल मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, उसके बर्थडे पे मैंने उसको फोन किया, बड़ा अच्छे से विश वगैरह किया। ऐसे तो लॉकडाउन वाले बर्थडे की सबको आदत होगी, पर आजकल बर्थडे विश से ज्यादा बहुत सारी अलग चीजें पूछनी होती है कि भाई सब कुछ सही है या नहीं, सब कुछ कैसा जा रहा है, सब कुछ स्मूथली जा रहा है या नहीं,
आज की तारीख में टू बी ऑनेस्ट इससे ज्यादा कोई खुशखबर हो नहीं सकती कि आपके फैमिली में सब लोग सेफ और साउंड है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे इंडिया में कहर बरस रहा है, कुछ ज्यादा ही स्केल पे कहर बरस रहा है, तो अगर आप सेफ और साउंड हो तो हर रोज भगवान को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलो और अच्छी चीजों पे ध्यान दो। जो चीजें अच्छी हो रही है वो चीजें बार बार करो, जो चीजें अच्छी नहीं हो रही है वो बार बार मत करो। जो ख्याल सोचने से आपको पॉजिटिव फील होता है वो ख्याल लाओ, जो ख्याल सोचने से नेगेटिव फीलिंग आती है वो ख्याल बिल्कुल मत लाओ। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखोगे अपने अंदर तो वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होगी सारे आप लोग के आजू बाजू, जो भी लोग हैं आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं। आजकल तो फ्रेंड्स आजू बाजू नहीं होंगे पर फ्रेंड्स तक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाने के लिए आप लोग उनको फोन वगैरह करते रहो, सबका हाल चाल पूछते रहो। नो डाउट इससे ये चीज तो चेंज नहीं होती कि पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा गलत चीजें हो रही है, गलत इन द सेंस जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो चीजें हो रही है, पर हम लोग के कंट्रोल से बाहर है वो सारी चीजें। तो जो चीजें हम लोग के कंट्रोल के अंदर है वही चीजें हम लोग करने की ट्राई करें, हमारे आजू बाजू लोगों में पॉजिटिव एनर्जी भरने की ट्राई करें, अवेयरनेस भरने की ट्राई करें। जो भी चीजें उन लोग को जाननी चाहिए, जो चीजें हमको लगता है सही है वही चीजें फैलाने की ट्राई करें। और नेगेटिविटी तो यार कोई भी दे जाता है, आजकल एक कोई फेक अकाउंट से लोग कमेंट कर देते हैं वो नेगेटिव एनर्जी फैला जाता है, तो फिर इतना बड़ा पेंडेमिक आया है ये तो किस लेवल की नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करेगा। कोविड के टाइम पे कोविड के अलावा भी बहुत सारी टेंशन है मेरे को मालूम है, पर फिर अभी उस सब चीजों को अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लो, और उन चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद भी आप लोग कैसे पॉजिटिव रह सकते हो और कैसे इन टाइम को अच्छे से अच्छे तरीके से मेमोरीज बना के निकाल सकते हो वैसा करो। घर पे हो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, काफी ज्यादा टाइम है आपके पास तो फ्रेंड्स के साथ बात करो। कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह चालू होती है तब तो अपने को किसी से बात करने भी नहीं मिलता है, कभी जॉब चालू होती है तो पूरे पूरे एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल हो जाते हैं फ्रेंड्स से बात नहीं करते, तो काफी सारे फ्रेंड्स लोग से बात करो। जरूरी नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए या फिर ऐसा कुछ करना ही है, पर आपको मन हो जो भी चीज करने का मन हो वो करो। और मैं वापस बोलता हूँ कि टाइम बहुत खराब है, नो डाउट बहुत खराब है, पर ये टाइम भी निकल जाएगा अगर आप लोग इस टाइम से गो थ्रू कर जाओगे तो। आपकी हैप्पीनेस का तरीका आपको पता होगा और वही चीज मैटर करती है आज के टाइम पे। आप अपने आप को खुश रखो, आपको खुश देख के बाकी लोग खुश होंगे और ये खुशी ऐसे ही स्प्रेड होती जाएगी। होपफुली मेरे ब्लॉग देख के भी आपको कभी ना कभी खुशी मिलती हो। अगर आपको ऐसी खुशी चाहिए हर रोज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन हिट कर दो मेरे रोज के वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो यही था गाइज, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बस यही चीज एक शेयर करनी थी आपके साथ जो कल रह गई थी। अभी के लिए ये वीडियो एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए पीस आउट। अभी टाइम हो रहा है 11:05 और मेरा वीडियो एडिट ही नहीं अपलोड भी हो चुका है। जो बोलता है वो मैं करता है। गुड नाइट।